हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुड फूड बेटर मूड। आज मैं आपके लिए बंगाली मिठाई की रेसिपी लेकर के आई हूँ। ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, टेस्टी है, कम चीज़ों से बनती है और मुंह में घुल जाने वाली है। तो चलिए आज की प्राणहार कचगोला बंगाली मिठाई की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें रेडी करनी होगी। जैसे हमें दूध को फाड़ना है तो उसके लिए हमने यहाँ पर विनेगर का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ मैंने एक छोटे बोल में 4 चम्मच विनेगर डाला और 4 चम्मच पानी डाल करके एक मिक्सर रेडी कर लिया है। और दूसरी तरफ मैंने गैस पर 2 लीटर दूध ले लिया है और उसको गर्म करने के लिए रख दिया था। दूध हल्का गर्म हो गया है। अभी इसमें आपको थोड़ा थोड़ा करके विनेगर डालना है और चलाते जाना है। एक बार में सारा विनेगर नहीं डालिएगा, आपका छीना टाइट हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके विनेगर डालते जाइएगा और इसे चलाते जाइएगा। थोड़ी देर के बाद ही आप देखोगे कि आपका पानी अलग हो गया है और छेना अलग हो गया है। अभी आपको इसे छानना है। तो छानने के लिए एक दूसरा बड़ा बर्तन लीजिएगा, उसके ऊपर छन्नी और कॉटन का कपड़ा लगा करके इसे छान लीजिएगा और इसे 1 से 2 पानी से आपको धुल लेना है। जब ये धुल जाएगा तो इसमें से 80% पानी आपको निकाल लेना है और 20% नमी इसमें रहने देना है। तो अभी आपको इसे एक बड़े बर्तन में ट्रांसफर करना है। डाल दिया, इसे आपको 2 भागों में बांट लेना है। इसमें 4 चम्मच पिसी हुई चीनी डालनी है और 4 चम्मच आपको मिल्क मेड डालना है। मिल्क मेड नहीं है तो मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। आधा चम्मच इसमें इलायची पाउडर डालनी है। सारी चीजों को मिक्स कर लेना है। तो अभी आपका सॉफ्ट सा डो बन करके रेडी हो गया है। और अभी आपको एक पैन लेना है, उसमें ये डो डालना है। गैस की फ्लेम को मीडियम करना है और अभी इसमें डालना है 3 चम्मच मिल्क मेड। लगातार चलाना है या तब तक चलाइएगा जब तक कि आपका डो एक जगह इकट्ठा ना होने लगे। को चलाते हुए बहुत हार्ड मत करिएगा, थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखिएगा। तो अभी थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि आपका डो एक जगह इकट्ठा होने लगा है, मतलब अभी ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी हुआ है। तो अभी इसे साइड में रखना है और ठंडा होने देना है। और अभी हमने जो बचाया हुआ छेना था वो एक बड़ी प्लेट में डालना है। इसे हाथों से थोड़ा सा गुथ लेना है जिससे कि थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। और बनाया हुआ जो मिक्सचर है वो इसमें डालना है। ये अभी ठंडा हो गया है, इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स हो गया तो अभी आपका डो बिल्कुल रेडी हो गया है। अभी इसे कट करना है। तो जैसे हम रोटी के लिए पेड़ा लेते हैं उसे थोड़ा सा बड़ा पेड़ा लीजिएगा और आपको हाथों में लेकर के इसे स्मूथ कर लेना है और एक बॉल का शेप दे देना है। तो अभी आपकी मिठाई जो होती है परफेक्ट शेप ले ली है। ये थोड़ी सी और अच्छी दिखे तो इसके लिए आप इसके ऊपर डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर लगा दीजिएगा। मिठाई थोड़ी और अच्छी दिखे इसके ऊपर आप ड्राई फ्रूट्स या रोज पेटल्स भी लगा सकते हो। तो अभी आपकी माउथ वाटरिंग, मुंह में घुल जाने वाली प्राणहार कचगोला बंगाली मिठाई की रेसिपी रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।